नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने नवोदय की उपकार बुक जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 के एकिंग नियम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देख लिए थे। उन्हीं प्रश्नों की सीरीज में अपन इस वीडियो में आगे के प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी नवोदय का फॉर्म जो है वो फिल करना चालू हो रखा है या चल रहा है, इसकी अंतिम जो तारीख है शायद 15 नवंबर है, तो आप जल्दी से जल्दी नवोदय के फॉर्म जिनके भी फिल करने रह रहे हैं अभी तक वो कंप्लीट करें और इसका एग्जाम भी बहुत जल्द लग जाएगा, उनकी डेट्स भी आने में हैं, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। अपन चलते हैं यूनिटरी मेथड के ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चलते हैं। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे अपन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। चैप्टर 4 है और अपनी सेकंड क्लास है आज चैप्टर 4 पे उपकार, नवोदय उपकार बुक सॉल्यूशन में, और क्वेश्चन नंबर 11 से इसमें स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें कहा गया है 84 रुपए प्रति, क्या कहा गया है, प्रति दर्जन 84 रुपए, यानी कि 12 का रेट क्या है, प्रति दर्जन का मतलब हो गया 12 का रेट कितना है 84 रुपए। कोई सामान है, सामान भी क्या है अपने पास, कॉपियां है, क्या है, कॉपियां है, तो 12 कॉपियों का मूल्य जो है वो 84 है। इधर लिख देता हूं मैं कॉपी और इधर रुपए, दोनों ही टाइप से अपने को सोल्व करना आ गया है। यहां से एक कॉपी का मूल्य अगर निकालना हो तो 84/12 इस टाइप से कर सकते हैं। अपने को टोटल 30 कॉपियों का मूल्य निकालना है, कितनी कॉपियों का मूल्य निकालना है, 30 कॉपियों का मूल्य निकालना है, तो यहां से इसी को आगे कर लेते हैं। ये एक का मूल्य आ गया, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितनी कॉपियों का मूल्य आ जाएगा, ये 30 कॉपियों का मूल्य आ जाएगा, बस कर लीजिए। हाँ, इसको कीजिए 6 से, 6 दुना 12, 6 पंजे 30, 2 से 2 एकम 2, 4 दुना 8, 2 दुना 4, 42 × 5 42 × 5, 5 दुना 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210 रुपये 30 कॉपियों का मूल्य कितना आ जाएगा, 210 रुपए आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 जो है काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 70 रुपए प्रतिदिन मिलता है एक नौकर को, कितने मिलते हैं, 70 रुपए प्रतिदिन मिलता है, तो फरवरी महीने 2013 का फरवरी महीना, देखो 2013 है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब होता है लीप ईयर, यहाँ पे दो बातें आएंगी इस क्वेश्चन में। लीप ईयर का मतलब होता है जैसे एक साल में 365 दिन होता है, ऑर्डिनरी जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है, जनरल जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें सामान्य वर्ष जो है उसमें 365 दिन होते हैं, जबकि ये जो लीप ईयर है इसमें 366 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फरवरी महीने का, फरवरी का जो महीना है उसमें, इसमें 28 दिन ही होते हैं सामान्य साल में, और लीप ईयर में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, ये इसमें मेन बात है क्वेश्चन में जो थी। इस प्रश्न में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं गई है, इसमें सामान्य वर्ष ही बताया है। ये लीप ईयर और सामान्य वर्ष का पता कैसे लगाएंगे अपन, कि जिस भी जो भी साल दिया है, जैसे ये 2013 दिया है, तो 2013 अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 से पूरी बार विभाजित हो जाएगा, अगर 4 से पूरी बार विभाजित हो जाता है तो ये कौन सा साल होगा, ये लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान लगाना है। और नहीं होता है, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ये सामान्य वर्ष होगा, कैसा वर्ष होगा, ये सामान्य वर्ष होगा। तो देखो यहाँ पे 2013 4 से पूरी बार विभाजित होता है क्या, नहीं होता, तो ये कौन सा साल है, सामान्य साल है, सामान्य साल है, तो इसमें फरवरी महीने में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। मैं थोड़ा सा इसको अपडेट कर दे रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को चलाते हैं, ठीक है। अब चलो इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। एक दिन का जो है 70 रुपए, एक दिन का उसको मेहनताना मजदूर को कितना मिलता है, 70 रुपए का मेहनताना उसको मिल जाता है। अब अपने पास फरवरी 2013 में कितने दिन है, 28 दिन है अपने पास, तो बस सीधा सा 28 दिन का मेहनताना निकाल लेंगे अपन। 28 दिन का मेहनताना क्या बनेगा इसका,
70 इंटू 28 बस मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से, 7 8 56 ठीक है, हासिल का 5 कैरिंग 5 गए, 7 दूना 14 और 5 19 और एक जीरो पीछे से लगा दी। ₹1960 उसका जो है मेहनताना मिल जाएगा उसको फरवरी 2013 में, इतना रुपए उसको मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है पांच कलम का मूल्य जो है, कितनी कलम का मूल्य, पांच कलम का मूल्य 15 पेंसिल के बराबर। पहली बात तो ये कहती है, आगे एक कलम का कॉस्ट जो है वो ₹25 अपने को दिखा दी गई है, 15 पेंसिल का मूल्य निकालना है। क्या निकालना है अपने को, 15 पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो यहाँ इन दोनों को इक्वल लेके अपन सोल्व कर लेते हैं, तो पांच पेंसिल का जो कॉस्ट है, पांच पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 15 नहीं, पांच कलम का जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 15 पेंसिल के बराबर है, यही अपने को दिया है ठीक है। और एक कलम का कॉस्ट दे दिया है अपने को, तो अपन क्या करें, अपने को कलम का कॉस्ट दे रखा है ना, तो अपन एक काम करते हैं इस कलम के कॉस्ट को यहाँ रख लेते हैं डायरेक्ट और पेंसिल का कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, तो केवल मैं अगर पेंसिल का मूल्य निकालना चाहूँ, केवल पेंसिल का मूल्य, तो ये पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, ये 15 इसके बटेवे में चला जाएगा, 5/15 और ये इसकी जगह पर कलम रह जाएगा और कलम का कॉस्ट अपने को पता है ठीक है। तो पेंसिल का कॉस्ट आ गया अपने पास, पेंसिल का कॉस्ट आ गया, अगर इसको कट करूं मैं तो 5 × 5 = 15 ऐसे करके कुछ इसका कॉस्ट आ जाएगा ठीक है। चलो ये हो गया 1/3 इंटू कलम, कलम का कॉस्ट कितना है 25, बस ये लिख दिया अपन ने ₹25, तो ये आया अपने पास ₹25/3। ये एक पेंसिल का कॉस्ट है, अब अपने को कितनी पेंसिलों का कॉस्ट निकालना है, ये तो एक पेंसिल का निकला है, ये किसका निकला है, एक पेंसिल का निकला है, अब ऐसी कितनी पेंसिलों का कॉस्ट निकालना है अपने को, 15 पेंसिलों का कॉस्ट निकालना है, कितने का, तो 15 को इसके गुणा कर लेते हैं, बस सीधा सा 15 से इसको गुणा कर लेते हैं अपन, 15 से इसको गुणा किया तो कट हो जाएगा, देखो 3 × 3 = 15 5 × 25 क्या है अपने पास, क्या गया 5 × 25 ये आ गया ₹125। कितनी पेंसिलों का मूल्य आ गया ₹125, 15 पेंसिल का मूल्य ₹125 आ चुका है अपने पास, ₹125 ठीक है। सिंपल सा था, पांच कलम का मूल्य दिया था तो अपने को कलम की जगह पे डायरेक्ट अपन अगर ये रखते यहाँ पे तो 5 × 25 हो जाता यहाँ पे डायरेक्ट ठीक है, 5 × 25 आ जाता। एक और सिंपल प्रोसेस था इसका, क्या था अपने को निकालना, क्या था, पांच कलम बराबर इनका कॉस्ट किसके बराबर दे रखा था, 15 पेंसिल के ठीक है। ये सिंपल सा अपने को दे रखा था कि पांच कलम का कॉस्ट पेंसिल कितनी, 15 पेंसिल के बराबर, और यही पूछा था अपने से, तो अपन चाहते ना तो यहाँ कलम का कॉस्ट डायरेक्ट भी रख सकते थे, पांच एक कलम का कॉस्ट कितना है ₹25 × 25 = ₹125। ये सीधा सा सिंपल सा आंसर आ गया, एक ही बार में 15 पेंसिल का मूल्य ₹125। सिंपल भी था, और पर अगर किसी प्रश्न में आपको डायरेक्ट जो प्रश्न में इक्वल दिया है वो चीज़ नहीं पूछे तो अपने को इसी पैटर्न से करना पड़ेगा। अगर ये पूछ लेता 20 पेंसिल का मूल्य कितना होगा तो इंटू 20 करना पड़ता अपने को एक का निकालने के बाद ठीक है, एक का निकालने के बाद 20 से गुणा करना पड़ता, इसीलिए इस पैटर्न से करवाया। बाकी ये क्वेश्चन जो है इतना ईजी था कि एक लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जा रहा था ठीक है। चलो हटा देते हैं फिर से इसको, आगे चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं। चार कुर्सियों का मूल्य दिया है, चार कुर्सी 3 मेज के मूल्य के बराबर है ठीक है। एक कुर्सी का कॉस्ट अपने को दे दिया, यहां देखो अपन डायरेक्ट अब उस पैटर्न से करेंगे, चार कुर्सी किसके बराबर है, चार कुर्सियों का जो कॉस्ट है वो चार 3 मेज के बराबर है, 3 मेज के बराबर, 3 मेज के बराबर है इनकी कॉस्ट के बराबर है ठीक है। एक कुर्सी का कॉस्ट अपने को पता है ₹330 है, चलो कर लो 4 × 330, ये कितनी मेज का मूल्य निकल गया, 3 मेज का मूल्य निकल गया। अब ये 3 मेज का मूल्य है तो मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितनी मेज का जाएगा, 1 मेज का जाएगा, इधर 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से, ये 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिया है ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये अब 1 मेज का मूल्य आ चुका है, बस कट कर लीजिए 3 × 3 और 0
तो ये आ जाएगा 110 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, 440 रुपए। ये इसका सॉल्यूशन है, डी वाला करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। ये जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा, एक मशीन 1 मिनट में 3 किलो बना रही, कितने किलो ने बना रही 1 मिनट में, 3 किलो बना रही 1 मिनट में। अपने को 12 मिनट में चाहिए, तो 12 मिनट के लिए क्या करें, इस 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 12, बस जितने किलो ने आएंगे वो आंसर है इसका, 12 × 3 = 36। ठीक है, ये सॉल्यूशन, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है 3 kg चीनी कितनी है 3 kg, में से 25-25 ग्राम के क्या बनाने हैं, अपने को पैकेट बनाने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 25-25 ग्राम के, पहली बात करें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब अपने पास चीनी कितनी है 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है चीनी, तो 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 3000 ग्राम हो जाएंगे, 3000 ग्राम हो जाएंगे। 3000 ग्राम को अपने को 25-25 ग्राम के पैकेट में पैक करना है, कर लीजिए पैक कर लीजिए आप, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 25 से कट कीजिए इसको, 25 एकम 25, 25 दूना कितना बचा, 5 बच गया, 30 में से 25 गया, 5 बच गया। ठीक है, आगे जीरो है तो 25 दूना 50, एक जीरो ऐसे कैसे, 150 पैकेट, कितने पैकेट बन जाएंगे अपने पास, 150 पैकेट जो है वो चीनी के 25-25 ग्राम के अगर अपन बनाना चाहें तो टोटल 150 पैकेट अपने पास इस टाइप से बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं, 4 आदमी, आदमियों की संख्या बढ़ा दी गई है, क्या किए आदमियों की संख्या बढ़ा दी है, तो समय जितने आदमी पहले थे वो 12 दिन में कंप्लीट कर रहे थे किसी काम को, अब आदमी की संख्या बढ़ा दी तो दिन कम लगेंगे। ठीक है, 3 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं तो 4 आदमी कुछ कम दिनों में करेंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती वाला रूल है, जिस साइड में दोनों ही क्वांटिटी दी गई है उधर से एक राइट का निशान ले जाइए, जिधर पूछी गई है क्वांटिटी या जिधर एक क्वांटिटी दी है उस साइड में। ठीक है, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा, या अपन सिंपल से करें इसको, 3 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं तो 1 आदमी कितने दिन में करेगा, ये 1 आदमी का आगे कितने है, 1 आदमी इतने दिनों में 3 × 12 दिनों में 1 आदमी कर लेगा। अब अपने आदमी की संख्या कितनी रहती है, अपने को आदमी की संख्या इसने कह दिया कि आदमी बढ़ा दिए, अब कितने आदमी हैं 4 आदमी हैं, कितने आदमी हैं 4 आदमी उस काम को कर रहे हैं तो दिन कितने लगेंगे, 1 आदमी कर रहा था तो इतने दिन लग रहे थे, 36 दिन, तो 3 × 12 / 2, अब आदमियों की संख्या चेंज हुई तो 2 आदमियों की संख्या, जितने आदमी संख्या की है उतना डिवाइड कर दें, 4 एकम 4, 4 × 12, यानी कि ऊपर क्वांटिटी क्या बच गई अपने पास, 3 × 3 बच गई, ये 3 × 3 यानी कि 9 दिन आदमी की संख्या बढ़ा दी गई है तो अपने पास 9 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट चला जाता है। अगले प्रश्न पे चलें, 18 नंबर का प्रश्न है, एक घड़ी और एक कलम दोनों का है कंबाइंड मूल्य जो है अपने को वो दिया गया है 750 रुपये, घड़ी और कलम का मूल्य कितना दे दिया अपने को, 750 रुपये दे दिया, यानी कोई लड़का बाजार गया उसने एक घड़ी खरीदी और एक कलम खरीदी, उसने टोटल 750 रुपये दिए, अभी कह रहा है कि उसमें से कलम का जो मूल्य है वो 25 रुपये है। ठीक है, क्या कहा इसने, एक घड़ी और एक कलम खरीदी है किसी ने, उसका टोटल मूल्य जो है उसने 750 रुपये दिया है, उसमें से घड़ी का जो मूल्य है उसको 750 रुपये के दिए, फिर उसने पूछा होगा कि भाई ये कलम कितने का दिया है, तो ये 25 रुपये का कलम दिया था, तो बताओ अब घड़ी का मूल्य क्या होगा, घड़ी का मूल्य क्या होगा, घड़ी का मूल्य क्या होगा, तो इसको निकाल लेते हैं अपन, इस 25 को उस वाली साइड में ले जाते हैं, -25 बराबर कितना गया 750 में से 25 गए 725 रुपये, ये 725 रुपये जो है उस घड़ी का मूल्य आ गया अपने पास, किसका मूल्य आ गया 725 रुपये, उस घड़ी का मूल्य अपने पास आ गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, सॉरी
पुस्तक, कोई लड़का बाजार गया है, पूछा गया है कितने रुपए लेकर बाजार गया, उसके पास कितने रुपए थे बाजार में। अब बाजार में गया है तो कुछ खर्चा करके आया होगा, तो उसने एक पुस्तक खरीदी 45 रुपए की, एक कमीज खरीदी 190 रुपए का, और उसके पास कितने रुपए शेष बच गए हैं, 15 रुपए शेष बचे। तो उसने जो जो खर्चा किया है उसको और उसके पास जो बचे हुए पैसे हैं उसको सबको ऐड कर लेते हैं सिंपल सा। तो 45 रुपए का तो उसने क्या कर लिया, एक पुस्तक खरीद लिया। 190 रुपए का उसने क्या कर लिया, इसका तो पुस्तक खरीदा, और इसका एक कमीज खरीद लिया 190 रुपए का, और उसके पास 15 रुपए जो है अब शेष बच रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी का क्या कर ले अपन, एडिशन कर लेते हैं इन सभी का, तो आ जाएगा कुल रुपए। कित क्या आ जाएगा, कुल रुपए जो वो लेके बाजार गया था, कुल रुपए। बस सिंपल सा कर लीजिए, इनको बस ऐड करना है। ठीक है, 5 रुपए, 5, 5 और 5, 10। ठीक है, एक हासिल का, 1 और 4, 5, 5 और 9, 5 और 9, 5 और 9, 14 और 1, 15। एक हासिल का फिर से 250 रुपये वो लेके मार्केट में गया था। कितने रुपए लेके गया वो, 250 रुपये लेके बाजार में गया था वो लड़का। चलिए चलते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे हैं। 20 नंबर वाला क्वेश्चन, 20 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए, महेश प्रतिदिन 2 समाचार पत्र खरीदता है। कितने समाचार पत्र खरीदता है वो, 2 समाचार पत्र खरीदता है। एक का मूल्य अपने को दिया है 1.50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, और दूसरे का जो मूल्य है वो 2 रुपये 25 पैसे हैं। ठीक है, एक प्रतिदिन यानी हर दिन में वो 2 न्यूज़पेपर मंगाता था। एक एक दिन का उसका खर्चा कितना हुआ न्यूज़पेपर का, पहले तो ये निकालेंगे। फिर उसने कहा मार्च महीने में उसने समाचार पत्र पर कितना खर्च किया, ये अपने को मेन निकालना है। तो चलिए बात करते हैं अपन, पहले एक दिन की बात करें। 1.50 रुपये एक न्यूज़पेपर का देता है, और 2 रुपये और 25 पैसे दूसरे न्यूज़पेपर पर वो खर्चा करता है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये एक दिन का आ जाएगा, एक दिन का न्यूज़पेपर पर खर्चा आ जाएगा कि एक दिन में कितना रुपए वो न्यूज़पेपर पर खर्च करता है। 5, 7 और ये यहाँ पे 3, 3 रुपए और 75 पैसे का खर्चा वो एक दिन में न्यूज़पेपर पर कर देता है। अब यहाँ पे बात आती है मार्च महीने में दिन कितने होते हैं, तो इसके लिए अपन एक बार एक थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा दिन निकालना आपको बता देता हूँ, दिन कैसे निकाले जाते हैं, किसी महीने में कितने दिन निकाले जाएंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ से मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ये जनवरी है, ये फरवरी है, और ये मार्च है, ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। इन सभी में दिन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बातचीत करें। अपन साधारण साल के लिए बातचीत कर रहे हैं, लीप ईयर के लिए अपन बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो अपन जो अपना मुट्ठी है ये, इसको इस टाइप से लेके चलते हैं अपन, जिधर भी ये उभरे वाले उभरे हुए हिस्से आएंगे, उभरे हुए हिस्से जिधर भी आएंगे उसमें 31 दिन माने जाएंगे। उभरे हुआ हिस्सा यानी 31 दिन, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसको 30 दिन के लिए माना जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन। जनवरी उभरा हुआ है, ठीक है, तो मैं सभी उभरे उभरे वाले हिस्सों को पहले लिख लेता हूँ। जनवरी उभरा हुआ है, फिर फरवरी नीचे है, फरवरी में वैसे तो 28 दिन होते हैं साधारण साल में, पर लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, इस टाइप से चलेगा जितने भी उभरे हुए हिस्से हैं। तो उभरा हुआ कौन कौन है उसके बारे में पहले लिख लेता हूँ मैं। जनवरी उभरा हुआ है पहली बात, फिर फरवरी नीचे है, ठीक है, इसमें 28 दिन होते हैं साधारणतः, पर किसी लीप ईयर वाले केस में यानी कि ऐसा साल दे दिया जाए जैसे 2012 जिसमें 4 का भाग जा रहा है, 2016 जिसमें 4 का भाग जा रहा है, 2020 जिसमें 4 का भाग जा रहा है, तो इन सालों में फरवरी में 29 दिन होंगे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मार्च फिर से उभरा हुआ है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई उभरा है फिर से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, फिर वापस जुलाई उभरा हुआ है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक ये फिनिश हो गए हैं, ये उभरे हुए इससे खत्म हो गए हैं, फिर वापस जुलाई के बाद फिर से इसी क्रम पे चलते हैं। जुलाई, अगस्त फिर से उभरा हुआ है, सितंबर नहीं उभरा हुआ है, अक्टूबर उभरा हुआ है, नवंबर और ये दिसंबर। देखो
यहाँ से बात की थी अपन ने, जुलाई तक हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये इससे ऐसे चल रहे हैं। जनवरी ये जितने भी हैं ये वाले इससे, ये उभरे वाले हैं ना, उभरे हुए हैं, और नीचे जो हैं इनके नीचे, ये नीचे वाले हिस्सों में 30-30 दिन रहेंगे, और फरवरी में 28 साधारणतया और 29 दिन लीप ईयर वाले केस में। तो जनवरी उभरा हुआ है, मैंने निशान लगा दिया, फरवरी नीचे है, मार्च फिर से उभरा हुआ है, अप्रैल नीचे है, अप्रैल के बाद फिर मई उभरा हुआ है, जून जुलाई उभरा हुआ है, फिर वापस अगस्त उभरा हुआ है, ठीक है, जुलाई और अगस्त दोनों उभरे हुए हैं, सितंबर नीचे है, अक्टूबर उभरा हुआ है, नवंबर जो है अपना वो नीचे है, और दिसंबर फिर से उभरा हुआ है। तो ये जितने भी उभरे हुए हिस्से हैं उनमें 31 दिन होंगे, सीधा सा फंडा है, जितने भी उभरे हुए हिस्से हैं उनमें कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे, 31 ये फिर से उभरा हुआ है, 31 फिर इसमें 31 फिर इसमें 31 इसमें अक्टूबर में 31 फिर दिसंबर में 31 इस टाइप से इसको देखा जाता है, ठीक है। और जितने भी हिस्से जो उभरे हुए नहीं है उनमें फरवरी जो है वो अलग केस है, इसमें 28 दिन होते हैं, साधारण साधारण केस में 28 दिन होते हैं, और साधारण केस नहीं होगा तो फिर 29 दिन होगा, ठीक है। तो मैं 29 भी लिख देता हूँ, फरवरी में 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फरवरी ये डिपेंड करेगा अपने किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लीप ईयर के ऊपर। अगर दिया गया ऐसा प्रश्न है जिसमें पूछ कहा गया है अपने को कि ये साल जो है लीप ईयर है, तो उसमें लीप ईयर के लिए, ये तो लीप ईयर के लिए है और ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए, साधारण साधारण साल के लिए है, ठीक है। तो अब बातचीत कर लिया अपन ने, नहीं अप्रैल अप्रैल में 31 नहीं लिखना है, अप्रैल तो नीचे वाला आ रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अप्रैल में 30, बाकी सब में जितने भी नीचे थे उनमें 30, इस टाइप से ये दिनों की संख्या होगी। आगे समझ में आपको किस टाइप से दिनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ मार्च के बारे में अपने को कहा था, मार्च में कितने दिन हो गए, मार्च में 31 दिन हो गए, बस इसको क्या करना है, 31 से मार्च महीने के लिए कहा ना, 31 से गुणा कर दीजिए इसको, 31 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल सा अपन, कि किस टाइप से। चलिए अपने पास है संख्या क्या क्या है, 31 इंटू अपने को वो पैटर्न फॉलो करेंगे अपन, कौन सा वाला जो पहले अपन ने मल्टीप्लाई का शॉर्टकट सबसे सिंपल वाला पैटर्न अपन ने काम में लिया था ना, वही पैटर्न अपन काम में ले रहे हैं। 31 इसके नीचे कुछ नहीं लिखी, जीरो लिख दीजिए फर्स्ट स्टेप में, दोनों भाई सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट और मिड वाले को भी बीच में लेते हैं, फोर्थ स्टेप में फर्स्ट वाली स्टेप को छोड़ देंगे अपन, ठीक है। और इस टाइप से पहली और दूसरी इन दोनों का करेंगे, लास्ट स्टेप में दो स्टेप को छोड़ देंगे, ये पांचों स्टेप है अपने करने के लिए। चलो कर लेते अपन, पहली स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है ना, 1 × 5 5, दूसरी स्टेप में इन दोनों को ही काम में लेंगे, 7 × 1 7, 3 × 5 15, 7 और 15 22 22 का 2, हासिल का 2। चलिए थर्ड स्टेप में इन तीनों को काम में लेंगे, इसका इससे 3 × 1 3, ठीक है, 5 का 0 से 0, 7 × 3 21, बस कर लीजिए, 1 और 3 4 4 और 2 6, और यहाँ पे ये 2, तो 6 को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, 2 फिर से हासिल में चले जाएंगे। अब पहली वाली स्टेप को यहाँ पे छोड़ देते हैं, 2 स्टेप का इसका सेकंड और लास्ट का करते हैं, 3 का 3 से 9, 9 और 2 11 11 का 1, और इधर भी 1 हासिल का चला जाएगा। लास्ट स्टेप में केवल इनका करेंगे, 3 का 0 से 0 और 1, ये 116 116 25, इस टाइप से अपने पास इनका आंसर क्या है, 116 25, ये आया। पॉइंट थे, पॉइंट हटाते तो नीचे क्या आता, 100 आता, बस ये 100 नीचे आ गया, ये हो गया 116.25 या 116 रुपए और 25 पैसे, 116 रुपए 25 पैसे, ये करेक्ट आंसर मिल गया है अपने को। चलिए इनको रब कर लेते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस था, पैटर्न था, जो फिर से अपन ने एक बार रिकॉल किया, अपन ने इस बार एक वीडियो में देख रखा है कि किससे शॉर्टेस्ट तरीके से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास 21वें नंबर का प्रश्न है, 7 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 126 है, क्या है, 7 किलोग्राम तो राइस है, राइस यानी चावल, और 5 किलोग्राम गेहूं है, गेहूं को क्या बोलते हैं, वीट बोलते हैं, ठीक है, इनका कॉस्ट है 125 रुपये, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, गेहूं का निकालना है, तो ये गेहूं का अपन इधर ही रख देते हैं, उसको चावल को उधर ले जाते हैं। पहले एक बात यहां से देख लेते थोड़ा सा, राइस का रेट क्या दिया है, रेट दिया है अपने को 13 रुपये दे दिया है राइस का रेट, जो चावल है उसका रेट दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम का 13 रुपए, तो 13 × 7 ये इसका कॉस्ट आ गया, इस पूरे को ही मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 7 × 21 7 और 2 9 7 × 7 और 2 9, अब आंसर देखें, 5 में से 1 गया 4,
12 में से 9 गया 3, 34 रुपए, सॉरी 26 दिया होगा ना, 126 रुपए, सॉरी हाँ यहाँ पे 126 रुपए दे रखा है, 126 रुपए दे रखा है। तो 6 में से गया 5 और 12 में से 9 गया 3, 35 रुपए कितने का ये 5 किलोग्राम वीट, वीट यानी गेहूं का रेट है गया। तो 1 किलोग्राम का निकाल लेते हैं, ये 5 किलोग्राम का है तो 1 किलोग्राम वीट का रेट क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम का रेट आ जाएगा 35 बटे 5, कितना 7 बार चला जाएगा, 7 रुपए इसका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। 1 किलोग्राम जो गेहूं है उसका कॉस्ट 7 रुपए आ जाएगा, यही अपना सॉल्यूशन है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये सॉल्यूशन पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय में नंबर प्राप्त कर सके। धन्यवाद।